वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल फुटबॉल। आ गए हम एक नए मैच के साथ, नई लीग के साथ। उस सबसे पहले क्या अपने प्राउड मोमेंट, फुटबॉल के प्राउड मोमेंट बहुत कम होते हैं, पर उसमें सबसे प्राउड मोमेंट ये है। देखिए यहाँ पे सुनील छेत्री क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ है, मेसी के साथ सबसे ज्यादा गोल। ये क्यों है? इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा गोल किए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, उसके बाद लियोनेल मेसी, और उसके बाद नंबर आता है हमारे सुनील छेत्री, हमारे कप्तान फुटबॉल के सुनील छेत्री का। अब देखिए वहां पे पेले, मैराडोना, नेमार, रोनाल्डो ब्राजील वाला, रोनाल्डिनो, काका, बेकहम, सब है लेजेंड्स, किसी का नाम नहीं है। नाम किसका है? हमारे सुनील छेत्री का, हमारे कप्तान, ओजी कप्तान का। तो इसी की न्यूज के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और नई लीग कौन सी है? ISL, वो कल से स्टार्ट हो चुकी है। तो अब देखते हैं क्या रहेंगे इसमें पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेंगे हमारे ग्रैंड लीग की प्लेयर्स। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे पूरा ISL कवर हो रहा है, वो भी फ्री। और क्या चाहिए, फ्री में अपना पैसा कमाएंगे और उड़ाएंगे। तो अगला मैच होने वाला है इसका Bengaluru FC ले, रुक गया। इसे क्या हो गया? खराबी हो गई थी। अगला मैच है Bengaluru FC वर्सेस Northeast United का। अगर हम इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो छह मैच बेंगलुरु ने जीते हैं, और इसी टीम से हमारा कप्तान, इंडियन फुटबॉल टीम कप्तान सुनील छेत्री बेंगलुरु टीम का ही स्टार स्ट्राइकर है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 2 मैच जीत चुका है, 12 मैच अब तक खेले हैं, और इसमें से 4 ड्रॉ रहे हैं। तो देखा जाए तो बेंगलुरु का पल्ला भारी है। क्यों है? सुनील छेत्री खेल रहा है। अब देखते हैं क्या रहेंगे इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11। यहां पे अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट की, तो इनके स्ट्राइकर रहेंगे रोचेला, मैट त्रिबिशर, अमत आदि। मिडफील्ड में आपको रोमेन, एमिल बेनी, जॉन दिखाई देंगे, और डिफेंडर में अबोरा, गुरजिंदर कुमार और इवेंस रहेंगे, और इनकी गोलची है भट्टाचार्य, आर्यभट्टा नहीं। स्टार्टिंग 11 इनकी क्या रहेगी बेंगलुरु की? देखें इनके गोलकीपर रहेंगे गुरप्रीत सिंह संधु, डिफेंडर रहेंगे प्रबीर दास, संदेश जिंगन, ये भी इंडिया का बहुत तगड़ा प्लेयर है। आप अगर देखें फुटबॉल में आपको नाम याद आएंगे इंडियन के प्लेयर्स के, कौन कौन से? भाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री और संदेश जिंगन। अगला प्लेयर है यहाँ पे जोवानोविक, एलान कोस्टा डिफेंडर, रोहित कुमार मिडफील्ड में रहेगा, अटैकिंग मिडफील्डर रहेंगे जाविर हर्नांडिस, और मिडफील्ड में रहेंगे जयेश राणे, उदांता सिंह स्ट्राइकर, सुनील छेत्री और रॉय कृष्णा। अब सुनील छेत्री को कौन कौन यहां पे डिफेंड करेगा? सुनील छेत्री को संधु और गौरव बोरा मार्किंग करने वाले हैं, ये दोनों इसको रोकेंगे। अब ये बंदा इस मैच में गोल करेगा, ये मेरे से आप लिख के ले लीजिए, और ये हमारा कप्तान भी होगा, टॉप पिक, सब कुछ है। देखेंगे क्या रही है इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस, कौन कितना भारी रहा, कौन जीता है। देखे बेंगलुरु हार गया हैदराबाद से 2-1 से, नॉर्थ ईस्ट से भी हार गया पिछले मैच, उड़ीसा को हरा दिया, चलो मोहन बगान से भी हार गया, और ईस्ट बंगाल को हरा दिया। तो मतलब 2 मैच हारा है और 3 मैच दो जीता है और 3 हारा है। ये पिछले ISL का जो एंड हो रहा था, ये जब के रिकॉर्ड्स हैं। अब नया सीजन है, नई शुरुआत है, तो उम्मीद करते हैं कि बेंगलुरु अच्छा करेगा। नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, केरला ब्लास्टर्स से 2-1 से हार गया, मोहन बगान से भी हार गया, पर बेंगलुरु को पिछला मैच हरा दिया। तो पिछला मैच हार के आ रहा है इससे, जमशेदपुर से हार गया और ड्रॉ खेला, मतलब 1 मैच जीता पिछले 5 मैच, को किसको हराया? बेंगलुरु को। तो बेंगलुरु चाहेगा इस सब में बदला लेना। अब देखते हैं क्या रहेंगे हमारे
कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइसेस, नो ब्रेनर, बिना सोचे समझे मेरी टीम का कप्तान रहेगा सुनील छेत्री। अब रिस्की टीम में रॉय कृष्णा को कप्तान बना सकते हैं, और एक रहेगा इंग्लिश प्रीमियर लीग से बंदा आया मैट डर्बीशायर, ये अपना सीजन का डेब्यू करने वाला है नॉर्थ ईस्ट के लिए। वीसी में मैं जितिन को, उदांता सिंह को और संदेश जिंगन को बहुत ही रिस्की टीम में मैं बनाऊंगा वाइस कप्तान। क्यों बनाऊंगा मैं इसे वाइस कप्तान, डिफेंडर है ये, डिफेंड करके बहुत पंडेगा, क्योंकि मतलब जो भी गोल करने आएगा यही बंदा रोकने वाला है और इसी के ही पॉइंट मिलेंगे, तो मैं इसको रिस्की टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। बेंगलुरु एफसी के प्लेयर ने कैसा परफॉर्मेंस, किसने गोल किए सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ, पहला नाम कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, सुनील छेत्री 10 मैच में 2 गोल, दूसरा उदांता सिंह 10 मैच में 1 गोल किया इस बंदे ने भी, राणे ने 2 मैच में 1 गोल। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के प्लेयर ने किसने गोल किया है, बहुत सारे प्लेयरों ने गोल किया था पर अब वो रिलीज हो चुके हैं किसी और टीम में, किसी और लीग में। अब बचा है एक बंदा राल्टे, इसने 4 मैच में 1 गोल कर चुका है बेंगलुरु एफसी के खिलाफ। अब देखते हैं क्या रहेंगे हमारे फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर। पहला की प्लेयर नो ब्रेनर सुनील छेत्री, इंटरनेशनल की बात करें जिसकी वजह से ये प्राउड मोमेंट आया है हमारे कंट्री के लिए फुटबॉल में, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर आता है फुटबॉल में, उसमें से सबसे देखा जाए तो 184 गोल अब तक कर चुका है, अगर ये 100 गोल कर दे तो मेसी से आगे निकल जाएगा। इसने असिस्ट करे हैं 11, तो मतलब अगर देखा जाए तो 87 गोल प्लस 11 असिस्ट, यानी कि 95 गोल करने में ये मदद करी है इस बंदे ने, गोल करे और मदद भी करी। इसके ओवरऑल हम क्लब रिकॉर्ड देखें तो 253 मैच में 112 गोल और 18 असिस्ट भी कर चुका है, तो देखा जाता है 130 बहुत बड़ा नंबर होता है। और बेंगलुरु के लिए इसका कैसा रिकॉर्ड रहा है, 220 मैच में 99 गोल, अब 100 गोल होने वाला है, कब होगा, कल आज होगा नॉर्थ ईस्ट के सामने। अगला हमारा फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर है भाई दिखा रहा दिल रॉय कृष्णा, 45 मैच में 31 गोल इंटरनेशनल में, तो बंदा अच्छा खेल रहा है और 3 असिस्ट भी करे हैं, ओवरऑल क्लब रिकॉर्ड देखें तो 305 मैच में 168 गोल और 85 असिस्ट। आप असिस्ट पे सबसे ज्यादा गौर करें, असिस्ट करने के भी पता 20 पॉइंट मिलते हैं। बेंगलुरु के लिए नया खेला 6 मैच में 3 गोल अब तक कर चुका बेंगलुरु के लिए। अगला फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर है उदांता सिंह, इंटरनेशनल में अभी से खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, नया प्लेयर है, ओवरऑल क्लब रिकॉर्ड की बात करें तो 181 और 21 गोल, ये नब्बे नहीं है, 9 असिस्ट करे हैं इसने, और बेंगलुरु के लिए 180 मैच में 21 गोल, ये एक मैच किसी और दूसरे क्लब से खेला नहीं तो बाकी है बेंगलुरु के लिए खेलता रहा जब तक। अगला फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर है जितिन मतादी, जितिन मतादी इंटरनेशनल में अभी से खेलने का मौका नहीं मिला है, ओवरऑल से क्लब रिकॉर्ड देखा तो 40 मैच में 9 गोल और 3 बार असिस्ट। अगला फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर मैट डर्बीशायर, इंग्लिश प्रीमियर लीग से आया बंदा, इंग्लैंड में इसे खेलने का मौका नहीं मिला इंटरनेशनल का, अंडर 21 में खेला पर इंग्लिश उसमें इंग्लैंड की टीम तो खैर बहुत तगड़ी टीम है, से बेचारे को वहां खेलने का मौका नहीं मिला तो अभी यहाँ खेल रहा है। इसके ओवरऑल क्लब रिकॉर्ड देखें 498 मैच में 172 गोल और 36 असिस्ट भी कर चुका है, नॉर्थ ईस्ट एफसी के लिए 35 मैच में 5 गोल। तो कुछ ऐसे है हमारे फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर, ये प्लेयर आपको ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग हेड टू हेड में ये प्लेयर्स आपको ट्राई करने ही करने हैं। अब देखते हैं क्या रहने वाली है हमारी स्मॉल लीग टीम, स्मॉल लीग टीम है ये ग्रैंड लीग टीम नहीं है, जो आप आते बोलो ग्रैंड लीग बेकार टीम फुल प्रॉप, ये स्मॉल लीग टीम है जो आपको हेड टू हेड
1:3 में आपको जिताएगी। पहला प्लेयर नो ब्रेनर सुनील छेत्री बेंगलुरु एफसी से, दूसरा रॉय कृष्णा स्ट्राइकर पेनाल्टी लिया है मैंने नॉर्थ ईस्ट से, राणे नॉर्थ ईस्ट से लिया है, रॉबिन नॉर्थ ईस्ट बेंगलुरु एफसी से लिया है, जितिन और रोचेला बेंगलुरु एफसी से, संदेश जिंगन लाकरा एलन कोस्टा और मेरा गोलची रहेगा गुरप्रीत सिंह सिंधु। तो कुछ ऐसी रहेगी हमारी टीम और अभी पहला मैच है तो उसमें पॉसिबल है कि बहुत चेंजेस आपको मिल जाएं, क्योंकि एक दो दो तीन चार मैच के बाद टीम सेटल होती है, पता लगता है कौन सा प्लेयर कहाँ अच्छा खेल रहा है। तो आप हमारा अपडेट रहना, अपडेट आप कैसे रहेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। क्या नाम है उसका? फैंटेसी काउंसिल प्रो, एंड में प्रो है फैंटेसी काउंसिल, कोई गैप नहीं है, ज्वाइन कर लो अभी ताकि एक दो जो भी चेंजेस रहेंगे, अभी चार पांच मैच तक तक टीम सेटल नहीं रहती है तो आपको वहां पूरी टीम आ जाए और वहां से आप पैसा कमा सकें। इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा कमाना। कहाँ कमाएंगे? फैंटेसी काउंसिल पे। तो देर किस बात की, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और मिलते हैं मैच के टाइम। मैच का टाइम है 7:30 बजे और अच्छी बात क्या, फुटबॉल की एक घंटे पहले आता है लाइनअप, तो ऑलमोस्ट 45 मिनट पहले टीम आ जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम पे, तो आप आराम से बना सकते हो, अगर कोई दिक्कत नहीं 45 मिनट तो बहुत प्यार से टीम बन जाती है। ओके, मिलते हैं मैच के टाइम पे, बाय बाय।